उनसे मैं तभी मिला जब उन्होंने मतलब मेरे को रथ से उठाया। तो यार मैं ब्लैंक हो गया था बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं था ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्नेंद्र 7 व्लॉग्स, और ये हमारा है शादी के बाद का पहला व्लॉग, देखा ना। तो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि शादी के बाद लाइफ कैसे चेंज हो गई। यार लाइफ चेंज हो गई, थकावट नहीं खत्म हो रही यहाँ पे, ठीक है, गेस्ट्स का आना जाना, फंक्शंस, फिर उसके बाद यार घर में एक और शादी थी, फिर उसके बाद आज आशिक हेवाल का रोका है, तो बैक टू बैक घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ है, गेस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो अभी तो थकावट ही ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, और हमने 13 तारीख को ही ऑफिस भी जाना शुरू कर दिया था, मतलब मैम अपने क्लिनिक जाने शुरू हो गई थी, मैंने अपना काम शुरू कर दिया था। तो शादी के बाद लाइफ कैसे चेंज हो गई है या हो जाती है? अच्छा, हमारे ऊपर, मुझे ऐसा लगता है ना, ये चीजें हमारे ऊपर होती है कि हमें वो चेंज फील करना या नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है 12 तारीख से हमारे कुछ ऐसा चेंज नहीं है, वही हमारा रूटीन है, ठीक है, और मेरा वही रूटीन है 11 बजे सोने का, और अरुण सर सुबह 6 बजे तक काम कर रहे थे, जब मैं उठ के दोबारा इनको मार रही हूँ कि सो जाओ। और पता है, और पता है इंस्टा किस चीज से भरा हुआ है? सिर्फ एक सवाल से, क्या कि विकी कौशल क्यों आए थे शादी में। अच्छा मैं ना कल क्या हुआ कि ना उपासना ना मैम ऐसे मैम बोलते थे पहले, चेंज नहीं करना ना, नहीं उपासना तो उपासना ना ऐसे बोलने लगी, नहीं यार अरुण चलो कमेंट्स पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं कमेंट्स, मैंने इनको जानबूझ के पढ़ने नहीं दिए, क्योंकि कुछ इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कमेंट्स हैं ना। मैं बताता हूँ एक कमेंट क्या था। एक कमेंट ये था कि यार ये विक्की कौशल जो है वो है किसकी साइड से, क्योंकि जैसे क्या होता है कि ये पंजाब से हैं तो इनका रिवाज होता है वहाँ पे कि जो दूल्हा होता है उसके पैर जमीन पे नहीं टिकने चाहिए, तो भाई जो होते हैं इनके वो उठा के लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे शैंकी ने उठा रखा था और विक्की सर ने उठा रखा था, भैया मतलब वही है। तो फिर क्या हुआ कि जब आपकी एंट्री हुई तो उसमें भी उन्होंने उठा रखा था और शैंकी ने, तो एक कमेंट क्या था कि लगता है विक्की कौशल सर को ना इन्होंने खुद को उठवाने के लिए बुला रखा। अच्छा एक और कमेंट बताता हूँ जो सबसे इंटरेस्टिंग है। पहले नहीं होता था जब 2007-8 या 2010 के आसपास, उस टाइम पे क्या था कि अक्षय कुमार और शाहरुख खान पीक पे थे तो वेडिंग्स में जाते थे, मतलब पेड होता था लेकिन उनका, है ना। अच्छा, तो किसी ने ये भी कमेंट किया कि लगता है पैसे लिए होंगे मोटे इसलिए बुला रखे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यार, पहली बात तो वो सेलिब्रिटी मतलब एक उनका प्रोफेशन है, बट एक फैमिली वैल्यूज जो है वो हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है सिंस चाइल्डहुड टिल नाउ। ये सिखाया गया है कि आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओ, जो आप ब्रदर सिस्टर का प्यार है वो वैसे ही रहना चाहिए, और फैमिली वैल्यूज। तो वो ब्रदर है मेरे, आई एम द ओनली सिस्टर, तो बड़े भैया हैं मासी के बेटे। तो आप लोगों को जवाब मिल गया कि जो इतने सारे कमेंट्स आ रखे थे ना कि विक्की कौशल कौन है, वो क्यों आए थे शादी में। यार शादी में वो ये नहीं है कि वो एक सेलिब्रिटी बन के आए थे, वो अपनी बहन के लिए एक भाई खड़ा था जिसको सारी रस्में करनी थी, और इवन भैया ने सनी ब्याह है, नितिन है, मोहित, मानव, अनमोल, योगेश, मतलब मेरे जितने भाई हैं सबका वही फर्ज था और सबने वही किया है। वो वहां पे अपना एक किरदार भूल के एक फैमिली में खड़े थे। हाँ थोड़ा सा सबको लग रहा है उस चीज का, बट ठीक है यार वो फैमिली थी। मतलब यही है कि मतलब मेरे लिए नॉर्मल है, लेकिन मतलब ठीक है कि यार क्योंकि वो काफी बड़े लेवल पे हैं, एंड मतलब जब उन्होंने ना, मैं बताता हूँ क्या हुआ कि ना, मतलब वो आए पहली बार, मतलब तो जैसे क्या होता कि फर्स्ट टाइम उनसे मैं तभी मिला जब उन्होंने मतलब मेरे को रथ से उठाया। तो यार मैं ब्लैंक हो गया था बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए वो नॉर्मल नहीं था ना, मैं बिल्कुल पता बिल्कुल ब्लैंक हूँ मैं, ठीक है, मुझे ना कुछ नहीं समझ आ रहा, ठीक है, ठीक है। यार आप ये सोच के देखो ना कि सामने वो खड़े हैं और सनी कौशल खड़े थे, तो एक्सप्रेशन तो यार अपने तो मेरे थोड़े भैया लगेंगे तो नहीं, मेरे भैया कैसे होंगे मेरे तो तो नहीं यार, बट इन रियलिटी दे बोथ आर वेरी हम्बल, ठीक है। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, जितनी एक ख्वाब की टीम गई थी सब ने यही बात बोली। OMG अभी क्या हुआ, अचानक से घर में गेस्ट बहुत ज्यादा आ गए। रियली वो
क्या बोलते हैं मुंह दिखाई अच्छा तो बहुत ज्यादा गेस्ट आ गए और जो काम वाली आंटी है उनको कहा था रुकने को रोज चली गई और नितिका का आज एग्जाम है तो नितिका को निकलना है अभी 15 मिनट में तो उपासना खत्म है नितिका के लिए तो क्योंकि उपासना के पास अभी टाइम नहीं है बर्तन धोने का तो मुझे और ये कौन सा लच्छे पराठा है लच्छे पराठा बन रहे हैं वैसे मैं बता देता हूँ पर उनके लिए बनता है क्या शक्ल उसकी प्लेन रोटी की नहीं है तू कर ले मिल चुके जल्दी जल्दी ग्लास साफ करो इसको उल्टा रखते सीधे ही रखते क्या मांग रही है साबुन ही लगाया ना व्लॉग में आ रहा है साबुन के। और जैसा कि आप लोग जानते हैं डॉक्टर उपासना वोहरा आ चुकी हैं और डॉक्टर उपासना वोहरा ने आते ही रिद्धि को सबसे पहले सिखाया सब्जी बनाना तो ये हमारे नए घर में मेंबर ऐड हुए हैं रिफाइंड ढूंढ रहे हैं तो अभी ने चीजें ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन हमारी रिद्धि बिल्कुल ट्रेन हो रही है आज रिद्धि ने प्रॉमिस भी किया पढ़ने का और ये रिद्धि यहाँ पे खड़ी है उपासना बोरा के बिल्कुल साइड में कैसा लग रहा है कौन है ये आपकी चलो तो पहला परिवर्तन आप लोग देख सकते हैं दीदी से भाभी पर आ गई हैं तो ये टोमेटोज इन्होंने ही साफ किए हैं मैं पकड़ा देता हूँ कोई नहीं इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर सकता हूँ रिद्धि चलो। तो आज हम वैसे क्या बन रहा है मैम शिमला मिर्च बना रहे हैं भर के शिमला मिर्च भर के बना रहे हैं और रायता मैम आप पियेंगे या फैलाएंगे फैला आप चुके हो मैं पीऊंगी ओहो शिमला मिर्च आपने देखी मैं कैसे लेके आया हूँ हाँ, देखिए अपनी शक्ल जैसे यार कहीं पर भी नहीं मिली पता है कहीं पर भी नहीं मिली आई स्वेयर रिद्धि समझ आ गया क्या करना है पहले क्या प्याज को करा क्या समझ आया रिद्धि मुझे आता है पहले आलू को क्या करा आपने फिर प्याज अनियन बेटा ओ, ओ बनारसी बाबू चलो यहाँ हाथ रख के आराम से धीरे 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 ये देखो रुको ये देखो पकड़ो हाथ और ये मैम का जिसके लिए मैम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी चूड़ा ठीक है डाल दिया अब इसको रोस्ट करेंगे वाह वाह बेटा ये कहां से सीखा रोस्ट करेंगे मैं बताता हूँ ये रोज की रोज ना मैम जी पंजाबी पे मास्टर शेफ देखते हैं वो पंजाबन बन रही है वो ठीक है वो कह रही है अब नहीं जाएंगे हम कैसा लग रहा है रिद्धि बहुत बढ़िया अभी नया नया है ना पुराने नहीं होते हम रिद्धि इतिहास रखने वाले लोग रिद्धि कैसा लग रहा है वो कह रही है मैं थप्पड़ खा लूंगी कोई चक्कर नहीं है देखो आप क्या करना है इसमें आलू बनना है तो ये हमारे साथ है परवीन ढाका ये अभी नितिका को छोड़कर आए हैं परवीन ढाका वो इंसान है जो रात को 11:57 पे नहाते हैं 5 मिनट ये नहाने में लगाते हैं तो परवीन का ऐसा कहना है जब ये 11:57 पे रात को नहाते हैं और 12:02 तक नहा के निकलते हैं तो इसी बहाने एक साथ 2 दिन कवर कर लेते हैं पानी भी बचा है ना तुम्हारी तरह थोड़ी है नहाते नहीं हफ्ता हां उसका क्या जो एक हफ्ते जिस दिन शादी हुई थी उसी दिन नहाए थे लास्ट टाइम उसके बाद नहाए नहीं है कैमरे में देख के झूठ बोल रहे उधर बोल दे झूठ है अभी मशीन लगाई थी सारे कपड़े धोए मेरे जो 7 के 7 दिन के गंदे हो गए हैं किसने धोए मशीन ने धोए हैं ये कह रहे मेरे नहाने पे ये सवाल उठा रहे इंसान मैं दिन में बल्कि 2 बार नहा रहा हूँ आजकल तो ठीक है गर्मी इतनी है यार पसीने आ जाते हैं सुबह ऑफिस जाओ ऑफिस जाओ फिर नहाना पड़ता है रोल ऑन लगा के मैं ही देख रहा हूँ इंसान कैमरे में ऐसी कैसे झूठ बोल सकता है लेवल ही अलग चल रहा है मतलब अपनी शक्ल देख के झूठ बोल रहा है इधर तो देख के झूठ बोल लो लेवल ही अलग चल रहा है इस इंसान का अच्छा देखो मैं बताता हूँ कि इस इंसान का लेवल बताता हूँ 5 बजे तैयार होके निकल सॉरी 5 बजे हमें निकलना है घर से ठीक है
अभी टाइम कितना हो रहा है परिन? ढाई बजे तैयार होना शुरू कर दिया, नेल पेंट नगले शुरू हो गए, क्योंकि नीचे जाके रोटी बनानी है अभी, इसलिए कौन रोटी खाएगा, कौन रोटी, दो मिनट झूठ दे। अच्छा कौन, अच्छा ये बताओ कौन रोटी खाएगा, सबने खाना खाया है। अरे अब तो तुझे भूख लगी होगी, वैसे दिन में एक ही बार खाना खाता था, अब तुझे भूख लग रही है। भाई साहब ये देखो कैसे लोग बदलते जा रहे हैं। और मैं तैयार होना नहीं होता, इसको नेल पेंट लगाना बोलते हैं, क्योंकि मुझे काम करना है, प्रेस करना है। बाद में मत बोलना मेरे कपड़े तूने प्रेस नहीं, मैं नहीं करूंगी। पर मेरा सूट तुमने सुबह प्रेस किया है, मेरे कपड़े किए कभी प्रेस नहीं? मेरे को प्रेस करना अच्छा नहीं लगता, वो आप ही करोगे, पहले डिसाइड था। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भाई, इतनी टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई हुई है ना, इतनी टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है, पता नहीं कितनी तो उसमें हिडन भी थी। ठीक है, उन वचनों में काउंट भी नहीं हो रहे थे, पता है जो वचन लिए गए थे ना उसमें, एक वचन नहीं बोल दिया था, तो मैं वचन नहीं, या आपने वो छोटा सा स्टार लगा नहीं देखा शायद, तो सिर्फ मैं जाते जाते एक लाइन बोलूंगा इस लोग को एंड करने से पहले, तेरे गुनाहों की सजा महज माफी नहीं है, मैं तुझे कुछ नहीं कह रही, क्या इतना काफी नहीं है? तेरे साथ जिस तरह रहा हूँ मैं, तेरे साथ जिस तरह रहा हूँ मैं, कोई नहीं रख सकता तुझे, तुझे तो कोई नहीं रख सकता, तुझे तो मेरा गुलाम होना चाहिए। जिस तरह से मैं रह रही हूँ ना, मैं तुम्हें गुलाम होना चाहिए, गुलाम सुबह उठ के मेरे पैर छूने चाहिए, रात को मेरे पैर छूने चाहिए। शादी हुई है ना, शादी हुई है ना, आशीर्वाद। पति के कितने बार पैर छुए अब तक? मैं क्यों छूंगा, अब वो टाइम चला गया। देख रहे हो, बराबर होगा, देख रहे हो। पर खैर तुमसे तो क्या ही पूछना, तुम खुद ही सताए हुए हो। तो मुझे उस दिन ज्यादा बढ़िया कौन लग रहा था? उस दिन ज्यादा बढ़िया तो कमेंट भी किया है, मेरी किसी फोटो पे कमेंट ना हुआ तेरे आंख टूट गए थे। तो यार ऐसे ही होता है भाई, सोशल मीडिया पे ऐसे ही, ऐसे ही होता है यार, हमारे देश में ऐसे ही होता है। ठीक है, इसका काम ही यही है ना झूठ बोलने का, हम ऐसे ही लोग जलते हैं। अभी मेकअप में लगे हुए हैं, अभी भी इंसान मेकअप में लगा हुआ है यार, इसको नेल पेंट बोलते हैं। 15 मिनट से इनका नेल तो पेंट नहीं लगा है। बोलना कि फंक्शन में जाते हैं वो लगा दे जिससे मुंह पे शाइन आती है। बीवी क्रीम लगवा के जाते हैं सर, देख लो। मैंने आज तक कुछ भी लगवाया इस चेहरे पे। तो यार आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं आशु खेवाल के रोके पे। तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अभी यार कई लोगों के कमेंट आए थे कि उपासना मैम के भी हल्दी की वीडियोस के बारे में, और मेहंदी की, संगीत की, इनका जागो होता है, तो वो सारी की सारी वीडियोस अपलोड होंगी बहुत ज्यादा जल्दी। तो तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।